Good afternoon, kids. How are you all? I hope you all are fine. Okay, so let's start. Now, today we will discuss about new topic, my computer. Today we will discuss about new topic, my computer. Today we will learn about computer. We see many things around us. हम हमारे आसपास कई चीजें देखते हैं. We see many things around us. जैसे कुछ things कैसी होती है? Man-made things होती है और कुछ कैसी होती है? Natural things. Some are man-made things and some are natural things. जैसे नेचुरल थिंग्स में क्या आएगा? सन, मून, रिवर्स, माउंटेन्स, ये दीज ऑल आर नेचुरल थिंग्स. एंड मैन मेड थिंग्स जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है उसको हम बोलेंगे मैन मेड थिंग्स जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है. तो टुडेज टॉपिक इज माय कंप्यूटर. कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन. Computer is a smart machine. This is your oral class, okay? No need to write. ये सब कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये oral है, ठीक है? What is computer? क्या है computer? Computer is a स्मार्ट मशीन. जैसे हमारे घर में और भी कई तरीके की मशीन होती है, अपना रेफ्रिजरेटर होता है, मिक्सर, जूसर और साइकिल इज ऑल्सो मशीन. देन टीवी इज अ मशीन. वॉशिंग मशीन, ये भी एक मशीन है ना? तो ये सारी जो चीजें हैं वो किसने बनाई है? मनुष्य के द्वारा बनाई गई है. दीज आर इन्वेंटेड बाय ह्यूमन बींग्स, है ना? ये किसके द्वारा बनाई गई चीजें है? मनुष्य के द्वारा. दैट मीन्स मैन मेड थिंग्स. तो ये सारी मशीन. ऐसे ही कंप्यूटर भी क्या है? एक मशीन है, स्मार्ट मशीन है. तो व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन. कंप्यूटर भी क्या है? स्मार्ट मशीन है. जैसे हमारे आसपास बहुत सारी मशीन होती है, फैन भी एक क्या है? मशीन है. तो कंप्यूटर भी एक मशीन है. कैसे चलता है कंप्यूटर? बाय इलेक्ट्रिसिटी. इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. कैसे चलता है कंप्यूटर? इलेक्ट्रिसिटी से, है ना? इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. सो कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन. कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन. हम क्या क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है? वी कैन सी, क्या करते हो आप कंप्यूटर में? वी कैन सी पिक्चर्स, वी कैन प्ले गेम्स, वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स, हम ड्रॉइंग भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं, है ना? कंप्यूटर में हम टाइप कर सकते हैं. सॉल्व सम्स, वी कैन सॉल्व सम्स, हम सम्स सॉल्व कर सकते हैं. लिसन म्यूजिक, गाने सुन सकते हैं हम कंप्यूटर से. वी कैन लिसन म्यूजिक, वी कैन प्ले गेम्स, वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स, है ना? वी कैन डू सम्स और टाइप भी कर सकते हैं. तो कंप्यूटर के बहुत सारे यूजेस भी हैं. और कंप्यूटर किससे चलता है? इट रन्स बाय इलेक्ट्रिसिटी. इसके बाद कंप्यूटर के कई पार्ट्स होते हैं. पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कई टाइप, मतलब
मतलब कंप्यूटर के कई पार्ट्स होते हैं लाइक सीपीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर और मॉनिटर, हेडफोन्स, स्पीकर, ये सारे क्या है कंप्यूटर के पार्ट्स है। आप जब स्कूल आओगे तब हम आपको लैब विजिट मतलब आपको लैब में लेकर जाएंगे और वहां आपको सारे पार्ट्स दिखाएंगे, ठीक है। जब भी आप स्कूल आओगे आपको लैब विजिट किया करवाया जाएगा, वहां आपको सारे कंप्यूटर के पार्ट्स शो किए जाएंगे, कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा। आपके घर सभी लोगों के घर मैक्सिमम लोगों के यहाँ कंप्यूटर है, तो आप देखना घर पे कि क्या मॉनिटर, सीपीयू, माउस, प्रिंटर ये सब क्या है। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मॉनिटर, सीपीयू, देन प्रिंटर, हेडफोन्स, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, तो ये सारे क्या है कंप्यूटर के पार्ट्स है। मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, कीबोर्ड एंड माउस, दीज आर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये सारे क्या है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब देखते हैं कि मॉनिटर का क्या यूज होता है, क्या यूज होता है मॉनिटर का। जो भी हमको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो जो डिस्प्ले एक टीवी जैसा होता है, मॉनिटर इट लुक्स लाइक टीवी, तो जो भी डिस्प्ले होता है वो कहाँ होगा हमको मॉनिटर के, मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। जैसे आप मूवी देख रहे हैं तो वो कहाँ आपको शो होगी मॉनिटर स्क्रीन पे, है ना। आपने कुछ ड्राइंग बनाई तो वो कहाँ शो होगी एक मॉनिटर स्क्रीन पे, जो टीवी जैसा दिखता है। आप टीवी देखते हो कुछ, जो भी सीरियल्स वगैरह देखते हो तो वो कहाँ आपको शो होती है एक स्क्रीन पे, है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर में जो मॉनिटर होता है, हम जो भी करते हैं वो हमको स्क्रीन पे शो होता है, वो होता है मॉनिटर। आप गेम खेलते हो तो सिर्फ बिना देखे कुछ स्क्रीन पे आप गेम खेल सकते हो क्या, नहीं। तो वो हमको कहाँ शो होता है मॉनिटर स्क्रीन पे। हमने कुछ सॉल्व जैसे सम सॉल्व किए हैं वो भी कहाँ शो होंगे हमको मॉनिटर, मॉनिटर पे। मतलब जो स्क्रीन होती है टीवी जैसी, वहां हमको ये सारी चीजें शो होती है। फिर होता है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है सीपीयू में होती है ना। जो भी प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू के अंदर होती है। इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन। जो भी जितना भी हम जो डेटा इनपुट करते हैं वो कहाँ होता है सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग होता है ना। प्रिंटर, प्रिंटर में जैसे आप कुछ आपको कुछ प्रिंट आउट चाहिए या प्रिंट करने के लिए चाहिए तो वो हमको किससे मिलेगा प्रिंटर के थ्रू, है ना। जो आपको कुछ भी अगर प्रिंट आउट चाहिए रहेगा तो वो आपको कुछ पिक्चर्स रहेगी वो आपको डाउनलोड करना है या चाहिए होती है तो वो हम कैसे निकालेंगे प्रिंटर से, है ना। तो उसके लिए हमको क्या यूज करना होता है प्रिंटर यूज करना होता है। हेडफोन, आपको अगर म्यूजिक सुनना है तो आप इसका यूज करोगे हेडफोन्स का, है ना। स्पीकर, जब म्यूजिक सुनते हैं तब स्पीकर का भी यूज करते हैं हम। कीबोर्ड, कीबोर्ड से क्या करते हैं हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर हमको कुछ टाइप करना होता है तो आप क्या किसका यूज करोगे आप कीबोर्ड का। जैसे आपको आपका नाम टाइप करना है तो आप कैसे करोगे कीबोर्ड पे जो कीज होती है वहां पे आप जो लेटर्स हैं उसका यूज करोगे और इंस्ट्रक्शन दोगे, है ना। कि जैसे आपको कुछ गेम वगैरह खेलना है तो उसमें अगर कुछ कीज की आपको जरूरत होती है तो फिर किसका यूज करना होता है कीबोर्ड का, है ना। कुछ भी टाइप करना रहा हमको तो उसमें हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। माउस,
माउस में, माउस का यूज कब करते हैं, जब हमको कुछ पॉइंट करना होता है, जैसे यहाँ पर हमारा एक फोल्डर है और हमको यहाँ इस फोल्डर से इस फोल्डर पे जंप करना है, तो हम किसकी सहायता से जाएंगे, माउस की, है ना। माउस से हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं, जो भी हमको जो भी फोल्डर ओपन करना है हम माउस की हेल्प से इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये होते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कि कौन कौन से होते हैं, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, कीबोर्ड, है ना। सबने देखा है ना कैसे होता है कंप्यूटर, देखो मैं आपको पिक्चर बना के दिखाती हूँ। ये होती है हमारी मॉनिटर स्क्रीन, है ना, ये मॉनिटर स्क्रीन होती है। यहाँ है ये होता है माउस और यहीं से कीबोर्ड कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ कीबोर्ड होता है, फिर साइड में सीपीयू रखा होता है, एक बॉक्स टाइप का वो होता है सीपीयू, और इसके अंदर सारी प्रोसेसिंग होती है। ये है कंप्यूटर, ये है हमारा मॉनिटर स्क्रीन, ये माउस है, अगर कुछ हमको पॉइंट करना होता है स्क्रीन पे तो हम माउस की हेल्प से पॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पर फोल्डर्स बने होते हैं, अगर आपको इस फोल्डर को क्लिक करना है तो आपको जो माउस का जो पॉइंटर है उसको यहाँ पर ले जाना होता है, फिर क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कुछ टाइप करना है, जैसे यहाँ पर आपको लिखना है माय नेम इज, माय नेम इज, तो आपको उसके लिए इसकी जरूरत होगी, कीबोर्ड की जरूरत होगी। इस कीबोर्ड में लेटर्स बने होते हैं, तो और यहाँ हम क्लिक करेंगे कि एम कहाँ लिखा है, वाई कहाँ लिखा है, एम पहले हमने प्रेस किया, वाई, तो ऐसे हम सारे लेटर्स का यूज करके स्पेलिंग बनाते हैं। और वो कहाँ हमको शो होती है, स्क्रीन पे, मॉनिटर स्क्रीन पे, तो किसका यूज करते हैं उसके लिए, कीबोर्ड का। जैसे आपको कुछ सम्स करना है, यहाँ पर न्यूमेरिक कीज भी होती है, नंबर्स की, है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 की न्यूमेरिक कीज होती है आप यहाँ पर, तो आप उनकी हेल्प से एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये भी कर सकते हैं। तो ये कहाँ शो होता है हमको, मॉनिटर स्क्रीन पर, है ना। फिर प्रिंटर होता है, एक बॉक्स टाइप का होता है, साइड में प्रिंटर होता है, और हेडफोन्स होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो ये होता है कंप्यूटर, ये सीपीयू होता है, यहाँ पर सारी प्रोसेसिंग होती है। माउस से हम किसी भी चीज को पॉइंट करते हैं, कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, और कहाँ शो होता है हमको, मॉनिटर स्क्रीन पे, है ना। प्रिंटर में जो प्रिंट आउट हमको अगर लेना चाह होता है तो हम किसका यूज करते हैं, प्रिंटर का। तो ये होता है कंप्यूटर। जैसे आप कुछ गेम वगैरह खेल आपको खेलना होता है तो आप किसका यूज करोगे, माउस और कीबोर्ड का। तो व्हाट इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन। क्या होती है कंप्यूटर, स्मार्ट मशीन होती है। क्या क्या यूज होते हैं देखते हैं। कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन, देन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, सीपीयू,
प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, हेडफोन, ये सारे क्या है? कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। देन यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के यूजेस क्या होते हैं? वी कैन प्ले गेम्स, है ना? वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स, वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स, वी कैन सॉल्व सम्स, सम सॉल्व कर सकते हैं हम, वी कैन लिसन म्यूजिक, है ना? वी कैन प्ले गेम्स, वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स, वी कैन सॉल्व सम्स, वी कैन लिसन म्यूजिक, वी कैन सी मूवी, कार्टून्स, है ना? मूवी कार्टून्स भी हम देख सकते हैं कंप्यूटर में। तो ये होते हैं कंप्यूटर के यूजेस। गेम खेल सकते हैं, पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं सम्स को, म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, और वी कैन टाइप टाइप भी कर सकते हैं हम कीबोर्ड्स की हेल्प से। ये यूजेस होते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मैंने बताया आपको सीपीयू का क्या वर्क होता है, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, हेडफोन्स, है ना? तो ये सारे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। और ये यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे चलता है? इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। अब हम स्पेलिंग्स भी लर्न करेंगे। ये तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन था, है ना? ये जो हमने आज पढ़ा वो है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट वी विल लर्न स्पेलिंग ऑफ कंप्यूटर। What is the spelling of computer? C-O-M-P-U-T-E-R, computer. What is the spelling of computer? C-O-M-P-U-T-E-R, computer. C-O-M-P-U-T-E-R, computer. C-O-M-P-U-T-E-R, computer. Say one more time. C-O-M-P-U-T-E-R, computer. आपको स्पेलिंग लर्न करना है। यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ कंप्यूटर। देन माउस, एम ओ यू एस ई, माउस, एम ओ यू एस ई, माउस। सेवन मोर टाइम, एम ओ यू एस ई, माउस, एम ओ यू एस ई, माउस। देन सीपीयू, सीपीयू इट्स वेरी सिंपल, कीबोर्ड, की के वाई, की बोर्ड, बी ओ ए आर डी, बोर्ड, के वाई की, बी ओ ए आर डी, की बोर्ड, है ना? के वाई की, बी ओ ए बो आर डी, बोर्ड, के की बोर्ड। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कीबोर्ड? के ई वाई बी ओ ए आर डी, कीबोर्ड। से वन मोर टाइम, के ई वाई बी ओ ए आर डी, कीबोर्ड।
What is the spelling of computer? COMPUTER. Computer. MOUSE. Mouse. CPU. CPU. Keyboard. 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 Printer. 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 It's very simple. PRINTER. 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 So today we learn only 5 spelling, then we will learn in next class. है ना? आज तो हमने सिर्फ 5 spellings learn किए, आगे का हम next class में learn करेंगे. क्या है? COMPUTER computer. COMPUTER computer. MOUSE mouse. CPU keyboard. KEYBOARD keyboard. PRINTER printer. तो ये spellings हमने learn किए हैं. और क्या क्या आज क्या सीखा है? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में, है ना? और ये 5 स्पेलिंग्स अब हम आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे. और दिस इज योर ओरल क्लास, ये आपकी ओरल क्लास है. ये सिर्फ जितना भी आज करवाया है वो आपके समझने के लिए है. आपको नोटबुक में कुछ भी नहीं लिखना है. इट इज नॉट रिटन वर्क. ओके, it is oral work. You have to see only this video. Don't write in your notebook. Okay, written work we will do in next class. Okay, bye bye children, take care.